आज हम बनाएंगे ओल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे आप एक बार बना करके इस तरह से खाएंगे तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं दीपाश्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपाश्री कुमारी में। तो फ्रेंड्स चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सब्जी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम ओल लिए हैं। तो ये देख सकते हैं, इसे हम पहले छील लेंगे और इसके हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे। और अब हम इसे धो लेंगे और अब हम इसे पानी में इस तरह से डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल करके इसे हम चूल्हे पर उबलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर इसे हमने ढक दिए हैं और जब तक ये बॉयल हो रही है तब तक हम इधर प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, प्याज और लहसुन का पेस्ट जो है तैयार हो गया है और इधर आप देख सकते हैं लगभग 10 मिनट के बाद ये ओल के पीसेज जो है अच्छी तरह से पक चुके हैं। आप चाहे तो इसे कुकर में भी एक सीटी लगा सकते हैं। और अब हम इसे छान लेते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक ओल हमारी ठंडा हो रही है, इधर हम एक बाउल में 4 चम्मच बेसन लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन, जिसे हमने हाथों पे इस तरह से क्रश कर लिए हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम घोल तैयार करेंगे। घोल न ज़्यादा मोटा होना चाहिए और न ज़्यादा पतला होना चाहिए, कुछ इस तरह का हमें घोल बनाना है। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया है उसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम ओल के पीसेस को इसमें इस तरह से डिप करेंगे और बेसन को हम हल्का सा झाड़ देंगे। और इधर हमने गैस पे तेल गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिए थे, तो तेल हमारी गर्म हो चुकी है और अब हम इन सभी पीसेस को इस तरह से तेल में डालते जाएंगे। तो एक बार में इसमें जितने पीसेस डालेंगे उतने पीसेस हम इसमें डाल देंगे और एक बगल से इसे हम लाल होने देंगे। तो एक तरफ से जब ये लाल हो जाएगी तो इसे हम दूसरे तरफ पलट कर भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक तरफ से सिक गई है तो हम इसे दूसरे तरफ भी पलट कर सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से लाल हो चुकी है और दिखने में भी ये बहुत ही अच्छी लग रही है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी सभी ओल को हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर हमने सभी ओल को फ्राई कर लिए हैं और अब हम वापस इसी कढ़ाई में तेल डालेंगे लगभग 4 चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी जीरा और 2 तेज़पत्ता हम इसमें डालेंगे और इसे हम चटकने देंगे। और जब ये चटक जाएगी तो यहाँ पर हमने जो प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार करे हैं उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार करे हैं इसमें हमने पानी नहीं डाले हैं, बिना पानी का ही हमने ये पेस्ट तैयार करे थे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे मिर्चा पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे सब्जी मसाला और 1.5 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और थोड़ा सा हम डालेंगे मरीच का पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी मसाले डाल दिए हैं और अब हम इन सभी को मिलाकर भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर लगभग 5 मिनट तक इसे भुने हैं और 5 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी
जो एक बड़े टमाटर को हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि मसाले से तेल न छोड़ने लगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले जो है अच्छी तरह से भुन चुकी है और इसमें से तेल भी छोड़ने लगी है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी हम उतना ही डालेंगे जितना कि हमें ग्रेवी रखना हो, क्योंकि जो सब्जियां है वो पहले से ही ऑलरेडी पक चुकी है तो उसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। तो हम उतना ही पानी डालेंगे जितना कि हमें ग्रेवी रखना हो। और चूंकि ओल जो है बेसन में लिपटी हुई है तो थोड़ा सा पानी वो सोख लेती है, तो इसी हिसाब से हमें इसमें पानी डालना है। और अब हम इसे ढककर बॉयल होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छी उबाल जो है आ चुकी है ग्रेवी में। तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए ओल के पीसेस डाल देंगे और इसे हम इस तरह से मिला लेंगे कि ग्रेवी में ये अच्छी तरह से डूब जाए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे भी हम इसमें मिला लेंगे। हल्के हाथों से ही इसे मिलाएंगे, नहीं तो जो ओल के पीसेस है वो टूट जाएंगी। और अब हम इसे ढककर लगभग 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 2 मिनट के बाद जो है हमारी ओल की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम बाउल में निकालकर दिखाते हैं कि ये सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी भी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है और ओल की जो कड़वाहट होती है वो भी गले में नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, अब ये ओल की सब्जी पूरी तरह से खाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इसे आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हम इसी तरह की और भी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।